सहकारिता समिति आगर जिले के 500 से अधिक कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर संस्था परिसर में ही कलमबंद हड़ताल पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। प्रदेश प्रवक्ता दिलीप शर्मा द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी हैं, वह आगर जिले में 500 से अधिक सहकारिता समिति के कर्मचारी हैं जो बीते 5 तारीख से हड़ताल पर बैठे हैं। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। हमारी कर्मचारी महासंघ भोपाल द्वारा 3 मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को अवगत कराने के बाद भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो यह हड़ताल आंदोलन उग्र भी की जाएगी। आगर मालवा से बिंदकरण के लिए रहमान कुरैसी की रिपोर्ट। माता की चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। बिन सहकार नहीं उद्धार, बिन सहकार नहीं उद्धार। हमारी मांगे कल आपके द्वारा रखी गई 3 सूत्री मांगों को लेकर के हमने मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के तत्वावधान में बैनर तले हमने यह धरना आंदोलन का कार्यक्रम रखा है। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें एक प्रमुख मांग है हमारे समिति के जो कर्मचारी है उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, शासकीय कर्मचारियों के भांति उन्हें वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाएं। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि समितियों के माध्यम से जो गेहूं खरीदी का कार्य शासन करवाती है उसका जो कमीशन अभी तक हमारी संस्थाओं को प्राप्त नहीं हुआ है वह अतिशीघ्र संस्थाओं को प्राप्त हो। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है हमारे विक्रेताओं से संबंधित जो पोर्टल पर जो राशन वितरण जो होता है वो कम ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो उसको सही किया जाए। ये हमारे 3 सूत्री मांगे हैं। अच्छा, आपने अभी राशन की बात करी तो राशन में किस प्रकार की त्रुटियां पाई गई जो आप इसके खिलाफ लड़ रहे हैं? राशन में प्रमुख त्रुटियां ये हैं कि हमने कोरोना काल के समय हमारे कर्मचारियों द्वारा जो राशन ऑफलाइन वितरण कर दिया गया है, शासन ने उस समय तो हमसे कह दिया था कि इसको हम ऑफलाइन पोर्टल पर कम कर देंगे, लेकिन आज वो उसको कम नहीं कर रहे हैं तो वह बढ़ा हुआ स्टॉक हमारे मशीनों में दर्ज हो रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है और हमारा जो राशन है वो मंथली राशन का कोटा उस राशन को देखते हुए ने कम कर दिया है। तो इसमें किस प्रकार की जो है मतलब लोगों को नुकसान हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है? वो राशन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे कई उपभोक्ताओं राशन से वंचित रह जाते हैं, जिसका दबाव हमारे विक्रेताओं बंधुओं को झेलना पड़ता है। कई प्रकार की उत्तेजनाएं वो हमारे ऊपर होती है जिसके कई उदाहरण प्रदेश में विद्यमान है, तो हम चाहते हैं कि उसका सही आकलन कर उसको सही समायोजित किया जाए। दूसरी मांग का यह है कि जो हमारी संस्थाओं द्वारा जो गेहूं उपार्जन खरीदी का जो कार्य किया जाता है शासन के माध्यम से, जिसका कमीशन हमारी संस्थाओं को मिलता है, वह कमीशन विगत कई वर्षों से अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको तत्काल हमारी संस्थाओं को दिया जाए जिससे हमारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। अच्छा, ये राशि किसको वितरित की जाती है, मतलब संबंधित आपके विभाग को दी जाती है या आपको पर्सनल दी जाती है? पर्सनल नहीं, यह विभाग को दी जाती है, समिति को दी जाती है, समिति में ही उस राशि का समायोजन किया जाता है। अच्छा, तीसरा? तीसरा है हमारा शासकीय कर्मचारी का दर्जा। हमारे संस्था के कर्मचारी हैं वह रात दिन शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमने कई बार इस मांग को उठाया है, कई वर्षों से हम इस मांग को उठा रहे हैं कि हमें राज्य शासन के कर्मचारी की भांति शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जिससे हम हमारा जीवन निर्वाह सही तरीके से कर सकें। और हमारे इसमें जो है आर्थिक त्रुटियां, मतलब आर्थिक नुकसान भी होता है आपको अगर उसका भाती आपको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है या दर्जा नहीं मिलता, उसमें किस प्रकार का नुकसान आपको पर्सनल होता है? हमें सर बहुत प्रकार के नुकसान है। एक तो हमारा वेतन मान कोई निश्चित निर्धारित नहीं है, जो बिल्कुल एक अल्प वेतन में लघु वेतन में हमारे समिति कर्मचारी रात और दिन कार्य करते रहते हैं, लोगों की सेवाओं में लगे हुए रहते हैं, हमें इतने कम वेतन मान होने के कारण हम हमारे पारिवारिक जीवन का जीवन निर्वाह सही तरीके से नहीं कर सक रहे हैं और हमें हमारे पारिवारिक जीवन को जीने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो हम हमारे परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकते हैं, ना हम हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं, ना हम व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। अच्छा, किसके खिलाफ जो है आह्वान है आपका? यह हमारा है मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं, यह हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, कब तक रहेगी आपकी हड़ताल? यह हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक निश्चित तौर से हमारा यह आंदोलन सक्रिय रहेगा और आने वाले समय